सो हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू डे। आज की जो गाइस हमारी वीडियो नंबर सिंपल हेयर कट पे होने वाली है। बहुत लोग इस बात पे कि साहिल भैया नीचे एक नंबर लगाकर उसको हम लोग मिक्स कैसे करते हैं, आज मैं यही डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। हेयर कट करने से पहले आपने हेयर ड्रेस से पहले बालों को सेट करना, उसके बाद हम लोग हेयर कट करेंगे, ठीक है। गाइस मैंने एक नंबर लगा लिया, 3 mm का कंघा होता, आप लोग 2 नंबर भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी च्वाइस होगी, ठीक है। देखो आपने कहना, देखो मैंने एक नंबर लगाया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इतने नंबर में यानी कि नीचे नीचे एक नंबर लगाऊंगा। गाइस देखो सबसे पहले बड़ी बात क्या होती है जी, अगर हम लोग यहाँ पर चढ़ा देते भाई, देखो मैचिंग करना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा। आपने ऊपर नहीं चढ़ाना होता, हल्का नीचे रखना होता है, क्योंकि हम लोग नीचे से मैच करते जाते हैं ना, तभी यहाँ पर हमारी मैच होती है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना, आपने भी गाइस ऐसे फॉलो करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हल्का हल्का हम लोग नीचे एक नंबर ऐसे लगाएंगे, देखो कितना मैं फर्क पाऊंगा, ठीक है। इतने ही आपने भी रखना है और नीचे करवाएंगे बंदे को, ये वाली जो चीज होगी ना पीछे वाली, कई बंदे क्या करवाते हैं सिंपल कटिंग में भी जीव रखवाते हैं, ये वाली चीज ये भी ध्यान रखना, बहुत तरह के हेयर स्टाइल है, ठीक है। देखो अब आ गया इस वाली साइड पे भी सेम चीज, हम लोगों ने इस साइड में भी ऐसे करनी है। आप इसमें नंबर लगाकर भी मैच कर सकते हो, कैंची की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जेवल जो चीज है ना गाइस आपको दिख रही है, इसके ऊपर हमने जैसे एक नंबर हमने लगाया, उसके बाद 2 नंबर लगा दिया, 3 नंबर लगा दिया, उसके बाद जो बीच में लाइन पड़ती है ना, आप उसको कैसे करोगे, 1.5 नंबर पे भी कर सकते हो, ठीक है, उसको 1 नंबर पे भी कर सकते हो। यानी कि बहुत तरीके हैं, पर लेकिन समझने की जरूरत है, पर लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर यार लास्ट तक देखा करो, क्योंकि यार मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ और किसी के लिए वीडियो नहीं बनाता। मुझे ये होता कि आप लोग जल्दी से जल्दी सीख जाओ तो भाई आप अपना कारोबार खोल के बैठ जाओ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी यार प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, शेयर जरूर करना, ठीक है। देखो देखो जैसे मैंने नीचे नीचे एक नंबर लगा लिया, आपने भी ऐसे लगाना। आप क्या करेंगे बस ये देखते रहना। अब गाइस देखो मेरे पास 2 नंबर है, यानी कि 6 mm का कंघा, यानी कि वॉल ट्रिमर का है, ठीक है। आपके पास कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। जीवल चीज आपको दिख रही है ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल कटिंग सिखा रहा हूँ इसको कैसे करते हैं। इजी से भी इजी तरीके बहुत पड़े हैं भाई, पर लेकिन देखने वाले बनो, ठीक है। एक से एक स्टेप बताऊंगा आपको, बस वीडियो को देखा करो। देखिए इसको भी ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना, हम लोग ने हल्का नीचे रखना है, हल्का हल्का इतना इतना फर्क देंगे इसको, ठीक है। देखो ऐसे ही हम लोगों ने करना होता है, देखो गाइस, ठीक है। आप देखो नीचे लाइन हमारी दिख रही है ना, इसको हम लोगों ने कैसे रिमूव करना है। उससे पहले मैं ब्रेक लेता हूँ। देखो मेरे को बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है कि साहिल भैया आप कौन सी सिटी से हो। भाई जी मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। देखो जी ये वाली आपको नीचे लाइन दिख रही है, इसको हम लोग रिमूव कैसे करेंगे। एक नंबर लगा के क्लच पीछे करो, यानी कि हमारा 1.5 नंबर बन जाता है, ठीक है। 1.5 नंबर हम लोग बीच में लगाएंगे, यानी कि ऊपर बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर ऊपर करेंगे भाई छेड़खानी, हमारे जो 2 नंबर लगा हुआ है सारा रिमूव हो जाएगा, कटिंग आपकी नीचे चलती जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे ऊपर को रखनी होती है, क्योंकि हम लोगों ने ड्राइव मार के पहले सेट किया, इसलिए किया क्योंकि हमारी अच्छी तरह से मैच हो जाए, ठीक है। देखो हल्का भाई को नीचे करवाएंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर को हम लोगों ने ट्रिमर को ऐसे चलाना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाली बातों का ध्यान रखा करो यार। देखो अब देखो ये वाली जो चीज दिख रही है भाई, आप इसको जो बड़ी वाली कॉम्ब है, ठीक है, उसके साथ भी मैच कर सकते हो, कैंची के साथ भी मैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे हमने 2 नंबर लगाया, 3 नंबर लगा कर भी कर सकते हो और 4 नंबर भी लगा करके इसको मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे मैच करना है। देखो बीच में चलाया जाता कंघा, अगर बीच में चलाएंगे तो भाई जेवल चीज है ना सारी हमारी खराब हो जाएगी, नीचे दब जाएगी, ठीक है। हमारे छोटे बाल हो जाएंगे, ऊपर वाले बड़े रहेंगे तो नीचे वाले छोटे हो जाएंगे, तो हमारी वैसे भी कटिंग खराब हो जाएगी। हम लोगों ने इसको मैच कैसे करना होता है, देखो जेवल चीज है ना, आपने ऐसे टेपर में चलाना होता है इसको भी,
जितने भी फालतू बाल है ना, कई बंदे कहते हैं सहल भैया फालतू बाल बताओ कौन से काटे हम। देखो भाई जितने भी आपके यहाँ पर आते हैं ना ये फालतू होते हैं, हम लोगों ने इसको ऐसे काटना होता है। ठीक है देखो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दो भाई। ठीक है देखो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है और पीछे वाली साइड पे भी हम लोग गाइस ऐसे ही करते हैं। ठीक है इस वाली साइड पे भी हम लोगों ने टेपर में चलाना होता है, कंघी को टेपर में चलाया जाता है। ठीक है अगर आप टेपर में नहीं चलाओगे, पहली बात तो यार कंघी को पकड़ना आना चाहिए, जिस दिन आपको पकड़ना आ गया तो भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है देखो ऊपर वाले को हल्का हल्का बाद में मैच करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं गुलाई हम लोग कैसे देते हैं। इसके तो बहुत ज्यादा मेरे को ना मैसेज आ रहे हैं तो साहिल भैया गुलाई क्यों नहीं होती हमारे से, अगर करते भी है तो भाई ऊपर नीचे क्यों होती है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जाती है। भाई देखो अगर आप सही ढंग से उसको गुलाई करोगे तभी सही ढंग से आपकी गुलाई दिखेगी, अगर आप कैंची को और तरफ से घुमा दोगे तो भाई खराबी होना। ठीक है आप आज को मैं आपको बताता हूँ, देखो ट्रिमर ले लेना या ट्रिमर के साथ करो तो भाई बेटर है मेरे हिसाब से। ठीक है चलो अलग अलग होती है वैसे चुबासा, यहाँ पर फिंकर लगा रहना। ठीक है फिंकर लगा करके अच्छी तरह से इसको आपने ऐसे गुलाई दे देनी है, आपकी गुलाई हो जाएगी। ठीक है ये मैं फिंगर क्यों लगवाने के लिए कहता हूँ, वहां पर आपकी सपोर्ट हो जाती है, सपोर्ट के लिए पता क्या होता है तभी आपकी ऐसे गुलाई दिखेगी। देखो मैं सपोर्ट लगा लिया एकदम मेरी गुलाई दिख रही है, उसको जीवल जो चाहिए हल्का यहाँ पर कट लगाओ, यहाँ पे छोड़ देना कट लगा के। देखो जैसे मैं लगाया ना यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है आगे नहीं लगाना, उसके बाद आगे पता कैसे लगाना आपने, नीचे करवाएंगे कान ऐसे पकड़ेंगे, जेवल जी चाहिए ना वहाँ पर हल्का निशान लगा के ऐसे करके जेवल जी हल्के आपने पूरी गुलाई में जाना है, पूरा गुलाई में जाना है। ठीक है और ऐसे करके यानी कि डरना नहीं है, डर के करोगे तो भाई फिर तो खराब होना ही होना, फिर तो मेरा तो बताने का भी नहीं फायदा, मैं तेरे को सही बताऊँ तो। देखो अब आगे जेवल चीज पीछे ऐसे करो। ठीक है ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना, कई बंदे मैंने देखा है यार कई बंदे क्या करते हैं ऊपर यहाँ पे चढ़ा देते हैं, यार इसको जितना भी लंबा रखोगे ना उतना ही अच्छा लगेगा आपका हेयर कट। ठीक है और इस साइड में भी आपने क्या कहना यहाँ पे निशान लगाओ। ठीक है यहाँ पे निशान लगा के यहाँ पर ऊपर को जाना होता है। ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैंने छोड़ दिया जेवल चाहिए, इस साइड में हम लोग इसके साथ मैच कर देंगे और जेवल जो चाहिए और इसको हम लोग ऐसे गुलाई करेंगे। इस साइड में आपने सपोर्ट नहीं लगानी, हाँ लगा सकते हो अगर लगती है तो। देखो मैं यहाँ पर सपोर्ट लगाऊंगा। ठीक है ट्रिमर को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ा लिया ना मैंने ऐसे करके, देखो मैंने ट्रिमर को बढ़ा लिया, उसके बाद मैं ऐसे ट्रिमर साथ में लगाऊंगा उसके, उसके बाद मैं ऐसे इसको गुलाई कर दूंगा। भाई देखो आपके सामने मेरी गुलाई देखो कितनी चिमक गई है। ठीक है ऐसे हम लोगों ने करना था। अब हम काटेंगे भाई ऊपर वाले जो साइड में हल्के हल्के आपको बड़े लग रहे हैं भाई, उसको ही हम लोगों ने काटना होता है, ज्यादा फालतू बाल नहीं काटना होता है। देखो इस साइड में हम लोग मैच कैसे करते हैं ये वाली चीज आपको बताता हूँ। बाल के देखो हल्का हल्का गाइस पानी मार के आपने पहले बालों को सेट करना है। ठीक है देखो अब देखो ये वाली चीज हम लोगों ने तो उसके साथ ही मैच किया, हम लोगों ने कैंची बिल्कुल भी नहीं लगाई। ठीक है देखो हमारी मैचिंग हो चुकी है यहाँ से भी, हल्का हल्का हम फिर भी मैच करेंगे जहां पर बाल हमारे को बड़े लगेंगे। ठीक है देखो ओके गाइस झाड़ लेंगे। ठीक है अब आज मैं आपको बताता हूँ हल्के हल्के हम लोगों ने कुछ पैसे काटे। ठीक है देखो जो आपको फालतू लग रहे हैं हम लोग ऐसे, देखो आपने छोड़ना नहीं है ये वाली चीज, आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी जब तक ये वाले बाल आप उठा नहीं लेते। ठीक है देखो ये वाले बाल नहीं उठाता साइड वाले। ठीक है ठीक है और उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने बढ़ना होता है, अगर आप ऊपर वाले बाल एक लेवल में चाहते हो तो भाई आपको ऐसे काटने पड़ेंगे। देखो ठीक है इस वाले साइड पे भी ऐसे काटना है, देखो मेरे बड़े हैं मैं इसको ऐसे काटता रहूंगा, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है फिर पाप ठीक है ऐसे हम लोगों ने फिंगर में लेके काटने होते हैं, पर फिंगर को बचाना होता है। ठीक है फिंगर पे लग जाती है कभी कभी, देखो ठीक है हल्के हल्के हमने काट दिया। एक बात का और ध्यान रखना, ठीक है पहली बात तो आपके बाल खड़े नहीं होने चाहिए, उसके हिसाब से आपने काटना। ठीक है कभी कभी क्या होता होता है जीवल चीज होती है हमारी खड़ी होती है, ठीक है आपने उसे नहीं करना। इस वाली साइड को झाड़ के जीवल फालतू दिखेंगे आपको, इसको आपने ऐसे मैच करना। देखो जीवल जी चाहिए देखो दिख रही ना आपको, इसको हल्का हल्का आपने ऐसे मैच कर देना, वो आपके मैच हो जाएंगे। ये देखो ठीक है इसके साथ में हल्का हल्का मैच करें, उसके बाद हेड ड्रम मार के उसके बाद सेट कर देना, भाई आपके बाल सेट हो जाएंगे।
इस साइड में आओगे सेम चीज आपने ऐसे ही करनी है, ठीक है। हल्के करके आपको, अगर आपको लग रहा होगा भाई बाल बड़े छोटे हैं, इसको ऐसे मैच कर दो। लो जी हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग हेयर ड्राई मार के देखेंगे बाल हमारे सेट है या नहीं, ठीक है, चेक कर लेना। अब इस साइड में हमारी मैच हो चुकी है, ऐसे ही हम लोगों ने करना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा बाल काटोगे ना साइड में से देखना, अपने बाल आपके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, आपका कस्टमर भी बाद में गुस्सा कराएगा, ठीक है। हल्का का साइड में हम लोग ऐसे ब्लेड लगाएंगे, ठीक है, हाथ हल्का चौड़ा रखना है, ठीक है, ज्यादा पतला नहीं करना आपने, देखो जैसे मैं रख रहा हूँ। ऐसे गाइस हम लोग सिंपल कटिंग करते हैं, ठीक है। आप यार हर एक तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी तरीके आपको मैं बताऊंगा। अगर चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। गुलाई बहुत जरूरी है, ठीक है यार, आपको खुद ही पता लग जाएगा जहां पर आप निशान लगाओगे ना, देखो मैं निशान लगा वहां पर मैं ब्रेड लगाऊंगा बस। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने करना होता, देख लो। लो जी गाइस हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है यार आप लोग को पता लग गया होगा हम लोग सिंपल कटिंग कैसे करते हैं। गाइस आप हर एक तरीके से कर सकते हो, अगर हमारे साथ जुड़े होना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी यार प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर वीडियो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।